साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा कि आने वाले प्रवासी मजदूरों की कोरोना जाँच कराई जाए, जिससे इस वैश्विक बीमारी से प्रदेश को मुक्त किया जा सके। गोरखनाथ क्षेत्र में हो रहे फोरलेन निर्माण कार्य का मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गीतापुर से रेती चौक नखास बख्शीपुर तक पैदल गश्त कर व्यापारियों को दुकान खोलने के नियम से कराया अवगत। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जल निगम व स्थापना समिति के सदस्यों की बैठक हुई सम्पन्न। राजस्थान की तरफ से आने वाले टिड्डियों का दल गोरखपुर में भी कर सकता है हमला, जिले में आपदा राहत दल का हुआ गठन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव सहकारिता ने संबंधित अधिकारियों से गेहूं खरीद दलहन तिलहन खरीद की समीक्षा। कैन थाना क्षेत्र स्थित फराग चौक पर स्थापित मशहूर शायर फराग गोरखपुरी की मूर्ति को ट्रक ने मारी ठोकर, मूर्ति और गुंबद हुआ क्षतिग्रस्त। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से मृदा परीक्षण एवं मृदा सर्वेक्षण संबंध में की चर्चा। कोतवाली थाना क्षेत्र के साहबगंज मंडी में गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। ग्रामीण विधायक ने राप्ती नदी स्थित निर्माणाधीन पक्के घाट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में रेगुलेटर बदलते समय सिलेंडर में लगी भीषण आग, तीन झुलसे। और झगहा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के संबंध में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन।